है स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। रोक करेंगे खबरों का। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज सीजी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें 12वीं में योगेंद्र वर्मा मुंगेली ने टॉप किया है, वहीं योगेंद्र ने 97.40% अंक प्राप्त किए। 10वीं में रायगढ़ की रहने वाली निशा पटेल ने 99.33% से टॉप किया है। नतीजे जारी करने के दौरान बोर्ड के अध्यक्ष गौरव द्विवेदी, सचिव वीके गोयल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश में ऐसा दूसरी बार हुआ जब 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे एक साथ जारी किए गए। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं की परीक्षा में इस बार लगभग 3,79,000 रेगुलर और 7,600 प्राइवेट स्टूडेंट शामिल थे। 12वीं की परीक्षा में इस बार कुल 2,51,555 रेगुलर और 9,627 प्राइवेट स्टूडेंट शामिल हुए थे। पिछले वर्ष 9 मई को परिणाम घोषित किए गए थे और इस साल भी इलेक्शन होने के बावजूद, जिसमें हमारे बड़ी संख्या में टीचर्स इलेक्शन की गतिविधि में संलग्न रहते हैं, उसके बावजूद लगभग बराबर समय में ही रिजल्ट इस साल भी घोषित किए गए हैं। पिछले साल 2018 में 11वीं और 12वीं में जो हमने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लिया था, उसके आधार पर ब्लूप्रिंट तैयार करा करके वेबसाइट पर लोड किए गए थे, जिसके वजह से छात्रों को और शिक्षकों को ये जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकी। आगामी सत्र के लिए जो 12वीं के जो नए सब्जेक्ट और एनसीईआरटी से लिए जा रहे हैं, उनके भी ब्लूप्रिंट्स मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। विद्यार्थी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकें, उसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी डाले गए थे, ताकि उनके आधार पर बच्चे बेहतर। आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं और लोरमी से योगेंद्र वर्मा, जो पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, जो महाराणा प्रताप स्कूल में पढ़ने वाले हैं और 97% के साथ पास किए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि पूरे परीक्षा परिणाम को लेकर कितने घंटा पढ़ाई करते थे और कैसा लग रहा उन्हें कि पूरे प्रदेश में प्राप्त किए हैं। मैं डेली पढ़ाई करता था, निरंतर पढ़ाई में और फोकस होकर पढ़ाई किया करता था। कितने घंटा पढ़ाई करते थे, इसमें किनका किनका श्रेय रहा है, किनको श्रेय देना चाहेंगे? इसमें श्रेय मम्मी पापा भैया और शिक्षकों का भी योगदान रहा। भैया मैथ्स लिए थे तो उनका योगदान रहा, पापा इंग्लिश के व्याख्याते हैं तो इंग्लिश में भी पापा ने बहुत सहयोग किया। कैसा लग रहा है आपको, पूरे प्रदेश में आप टॉप किए हैं और आगे फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे, क्या बनना चाहते हैं, आपका सपना क्या है? आगे फ्यूचर में मैं IAS अफसर बनना चाहता हूँ। हमारे साथ उनके पापा भी हैं, उनके परिजन हैं जिनका भरपूर सहयोग रहा है, उनसे जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है पूरे प्रदेश में उनका बालक पहला स्थान प्राप्त किया है। मुझे रिजल्ट जैसे मैंने सुना, बहुत मुझे खुशी हुई कि मेरे बच्चे ने एक बार सुना थी टॉप आकर उसको मतलब अपना विश्वास को हम पर ये जता दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और हमारा आशीर्वाद है उस अपेक्षा है कि वो भविष्य में भी बस अपने इसी को बनाए रखें। हमारे साथ उनके माँ भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कितने घंटा पढ़ाई करते थे या पढ़ाई में उनको कितना सहयोग आप लोगों के द्वारा किया जाता था। मेरे बच्चे को 3-4 घंटे की आगे में पढ़ता था, सोता जाता था, लेकिन उसके परिश्रम को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रथम स्थान आए गए। कैसा लग रहा है आपको कि पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया? फिलहाल योगेंद्र वर्मा जो लोरमी के महाराणा प्रताप स्कूल में पढ़ते थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में कड़ी मेहनत करने के बाद पूरे प्रदेश सहित पूरे भारत में नाम रोशन करते हुए IAS बनने का सपना है। बहरहाल देखना होगा आने वाले दिनों में योगेंद्र वर्मा का भविष्य क्या होता है। लोरमी से संदीप सिंह ठाकुर। चलिए इसी खबर पर हमारे संवाददाता रायपुर से सत्या राजपूत लाइव जुड़े हैं। वो बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया है, बच्चों में किस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है। सत्या, जी, छत्तीसगढ़ माध्यमिक बोर्ड ने आज 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है और 12वीं में टॉप 10 में अपने स्थान बनाने वाले शहनवाज इस वक्त हमारे साथ हैं और उनके टीचर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले शहनवाज, आपको धन्यवाद देना चाह सकते हैं, बहुत बहुत बधाई स्वराज एक्सप्रेस की ओर से। थैंक यू सर जी। आपको ये कैसे कामयाबी हासिल की, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या है?
मैं दिन में 6-7 घंटे पढ़ता था और मेरा काम है बचपन से तो था कि कम से कम कहीं पर नाम आए, बचपन से आज तक था। मैं यहाँ प्रयास में भी अपने जो यहाँ के अपने वहाँ जरेडान के जो टीचर हैं वो बोले कि प्रयास अच्छी संस्था है, वहाँ पढ़ेगा तो तेरा कुछ बेस बन जाएगा, तो उन्हीं के चलते हैं। सिंह मैम को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जब रिजल्ट घोषित हुआ आप कहाँ पे थे और जब आपको पता चला कि आप टॉप 10 में है तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो अपने रूम में था, दोस्त लोग सब आके बोले कि टॉप 10 में आ गया है, तो फिर थोड़ा सा खुशी का माहौल बना था। आप जसपुर के रहने वाले हो, प्रयास में रह के पढ़ते हैं, तो आप अपने परिजन को कैसे जानकारी दिए, उनका क्या रिएक्शन था इसको लेकर? वो मैं अपने घर वालों को बताया तो वो लोग जितने भी अपने तमाम रिश्तेदार थे उनको उनके पास उन्हें बात किए तो उन्हें बताया, तो उधर से फिर कॉल आना भी स्टार्ट हो गया है, तो वो बोले उन बहुत खुशी हो रहा है कि उनका कोई घर से आज टॉप 10 में आया है। आप कितने घंटे पढ़ते थे, आपका ये कामयाबी के पीछे का मूल मंत्र क्या है, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं 6-7 घंटे आसपास पढ़ता था और जो अपने जो टीचर हैं वो उम्र टीचर हैं उनके बदौलत मैं आज यहाँ, और अपने यहाँ के जो ये प्रयास संस्था है उसके प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं, उन्हें मोटिवेशन स्पीच देते हैं। और जो अपने मैं पिछले से भी था तो 10वीं था चुक गया था थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा चुक गया, तो यहाँ भी आके थोड़ा सा बिना कि अब थोड़ा दूर आया तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा करके, तो फिर वहाँ से आके यहाँ थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा है। क्या आप अपने मार्क्स से संतुष्ट हैं या कहीं ये नहीं सोच रहे हैं कि कुछ हमारे परसेंटेज कम हो गया है जितना मेहनत किए हैं उससे? थोड़ा सा तो लग रहा है कि थोड़ा परसेंटेज कम हो गया है, ऐसा लग रहा है कि इनके। और यहाँ पे हॉस्टल अधीक्षक हैं, उनसे जानते हैं कि ये किस तरह से ये हॉस्टल में पढ़ाई करते थे, क्या है इनकी स्थिति? बहुत अच्छा हमारे शासन का जो व्यवस्था है प्रयास, और इसमें जो हमारा आयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति विकास छत्तीसगढ़ शासन, उसकी जो इस योजना का जो मूल उद्देश्य है कि नक्सल जिले के बच्चे यहाँ पर उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आते हैं और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उनका चयन होता है, और वो बच्चे यहाँ विशिष्ट अध्ययन अपने रेगुलर जो बोर्ड की पढ़ाई, जो आज जो रिजल्ट निकला वो बोर्ड क्लासेस के हैं, इसमें बच्चे ने अच्छी सफलता हासिल की, हमारे बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे नंबर लाए इनके साथ। और जो आगे की पढ़ाई है, जो दिसंबर और नवंबर में CA फाउंडेशन का जो एग्जाम होगा जिसमें बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे, कंपनी सेक्रेटरीज के लिए वर्क एंड कॉस्ट एनालिस्ट जो होता है मैनेजमेंट के लिए जो इन्होंने काम करना है उसकी परीक्षाएं भी बाकी हैं। हमारा विभाग छत्तीसगढ़ शासन का जो आदिवासी विकास विभाग है, इन बच्चों को पूर्ण आवासीय सुविधा के साथ इनकी पूरी पेरेंटिंग होती है, एक अभिभावक का परिचय देता है हमारा विभाग, और इन बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में भेजने की जो कोशिश है वो आज आपके सामने है। हर साल यहाँ से कोई ना कोई छात्र टॉप लिस्ट में रहते हैं, अब तक कितने यहाँ से छात्र टॉप लिस्ट निकले हैं, कहाँ कहाँ है उनका? लंबी लिस्ट है, यदि आप बोर्ड का कहेंगे तो हमारे यहाँ से टॉप 10 में 2 बच्चे आ चुके हैं, और अभी जो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में जाने की बात करेंगे तो अभी हमारे यहाँ के जो कक्षा 10वीं के बच्चे हैं वो बच्चे 26 बच्चे नेशनल टैलेंट सर्च के लेवल 2 का एग्जाम नेशनल लेवल के लिए अभी अध्ययनरत है, जो जून में होना है उनका एग्जाम, और हमारे 72 बच्चे जो JEE मेंस में क्वालिफाई हुए और JEE एडवांस जो IIT की जो रूरकी ले रहा है उस परीक्षा के लिए इस साल जाएंगे, और पूर्व में भी हमारे बच्चे जो 35 बच्चे हैं जो IIT में जा चुके हैं इस संस्थान से, विभिन्न इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 17 बच्चे मेडिकल में जा चुके हैं, 104 से ज्यादा बच्चे राष्ट्रीय जो NITs हैं उसमें जा चुके हैं, और हमारे बच्चे राज्य स्तर के जो अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं उसमें भी 350 से ज्यादा बच्चे, और BMS में, इसके अलावा जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल कॉलेज है जिसमें IIIT भी आता है, 32 बच्चे रायपुर के IIIT में हमारे, उसमें से एक बच्चा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस तिरुवनंतपुरम इसरो के BTech कोर्स में भी दाखिला ले चुका है, लेलुंगा का है, और आलोक रंजन, तो हमारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान में है, और इस तरह से बड़ा खुशी का विषय है। स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से बात कहने पे हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम लगातार अपना जो जिजीविषा है, अपनी जो लड़ाई है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, शासन और अपने छत्तीसगढ़ शासन के आदिवासी विकास विभाग इसके माध्यम से पूरे टीम के साथ हम कर पा रहे हैं। अभी हमारे साथ शहनवाज के शिक्षक भी हैं, इनसे जानते हैं कि वो कक्षा में कैसे पढ़ाई करते थे, उनका कैसा सहयोग रहा। जी सर,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए काफी अच्छा प्राउड मोमेंट है कि एक अपना बच्चा जो है टॉप 10 में है, और वैसे 100% रिजल्ट रहा है अपना, और काफी बच्चे 90% के अबव भी लाए हैं। और रही बात शहनवाज की, तो वो पढ़ाई को लेकर काफी डेडिकेटेड था, और जो डाउट वगैरह भी थे उसके काफी अच्छे थे। एंड ऐसा नहीं था कि अपने को एकदम सीरियसली पढ़ाई करना है, पर मस्ती मजाक में भी पढ़ाई करते थे, जो कि बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फ्रेंडली माहौल मिलता था जिससे अपना डाउट पूरा क्लियर कर लेता था वो। और काफी अच्छा रिजल्ट रहा उसका। थैंक यू। और शहनवाज हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, उनसे जानते हैं कि शहनवाज आगे चलकर बिल्कुल सत्या, जिस तरह से बच्चों ने अंक अर्जित किया है, जिस तरह से बच्चों